हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुराग और आप मेरे साथ देख रहे हैं लर्निंग लैब चैनल। जैसा कि आज की वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा हम क्या करने वाले हैं, तो हम कुछ फुटेज से, किसी भी वीडियो फुटेज से नॉइस को रिमूव करेंगे या फिर आप कह सकते हैं ग्रेन्स को रिमूव करने वाले हैं। तो जो काम है हम करेंगे फ्यूजन टैब में, यहाँ पे आपको जो फ्यूजन का टैब मिलता है वहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे इसके कुछ कलर्स ऐसा है कि यहाँ पे हमें ग्रेन्स नज़र नहीं आ रहे, तो चूँकि काम हम फ्यूजन टैब में करने वाले हैं, ओवरऑल बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से करेंगे, एक बार पहले बता दूं मैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करना है आपको फ्यूजन टैब में जाके, ठीक है। थोड़ी सी अभी इसको मॉडिफाई कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, थोड़ी सी जगह बना लीजिए। और यहाँ पे आपको मीडिया इन एंड मीडिया आउट दो ऑप्शन मिलते हैं, तो ऑलरेडी यहाँ पर आपको रहेगा मीडिया इन को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, आपको इस पकड़ना है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। अभी दोनों स्क्रीन पर आ गया, उसके बाद आपको क्या करना है, फुटेज को एक बार बफर कर लें, फर्स्ट थोड़ा सा बफर हो जाएगा, आगे की चीज़ें हम देख लेंगे। ओके, यहाँ पे हमारा फुटेज ये बफर हो गया है, अभी मैं ये रोक लेता हूँ। यहाँ पे जैसा कि आप देख पाएंगे, अभी हमें क्या करना है, थोड़ी सी इसमें थोड़ी ग्रेन्स को नज़र लाने के लिए थोड़ा सा हम इसका क्या करते हैं, सीसी कर लेते हैं, मतलब ग्रेडिंग करेंगे। तो यूज करने वाला हूँ मैं ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट का, तो यहाँ पर नोट ले लीजिए आप, आपको ये जो येलो पॉइंट मिलता है यहाँ पर मीडिया इन में कनेक्ट कर देना है, और जो यहाँ पे येलो पॉइंट मिलता है मीडिया आउट का है वो यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। जैसे आप कनेक्ट करके ये आ जाएगा। अभी थोड़ी सी हमें सीसी करनी, तो उसके लिए हम कंट्रास्ट लेवल को थोड़ा सा बढ़ाने वाले हैं। देखिए जैसे थोड़ा इसको चेंज करेंगे, ऑटोमेटिक ये आपका फुटेज जो है थोड़ा अच्छा लगने लगेगा और इसमें लुक भी आ जाएगा। ओके, देखिए अभी ये थोड़ा बेटर लगने लगा है हमें, तो थोड़ा सा इसमें और इसे बढ़ा देंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा गामा को भी आप छेड़ सकते हैं चाहें तो, ज़रूरत नहीं है वैसे, गेन की वैल्यू को थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं हल्का। तो अभी के लिए यही रखते हैं, अभी ग्रेन्स को देख लेते हैं, ग्रेन्स कहाँ हैं। तो ग्रेन करने के पहले थोड़ी सी चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी है, वो है चैनल्स। तो ग्रेन का जो हम ग्रेन रिमूव करेंगे वो चैनल्स में जाके करेंगे, तो अभी चैनल देख लेते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, तीन सर्कल यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जिसे कलर बोलते हैं। तो अभी देखिए आपको रेड चैनल, ग्रीन चैनल और ब्लू चैनल, तीन चैनल आपको मिल जाते हैं। जो ब्लू चैनल होता है सबसे ज़्यादा ग्रेन इसी चैनल में होते हैं, आपको जैसे जूम करके मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ। अभी प्ले करेंगे तो आपको समझ में आएगा ग्रेन्स क्या हैं। हो सकता है यूट्यूब के विंडो के पेज में आपको नज़र ना आए क्योंकि क्वालिटी थोड़ी लूज़ हो जाती है, लेकिन घर पर जब आप देखेंगे प्रैक्टिस करते हुए तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे ऐसा कुछ ग्रेनी फुटेज आपको मिल गया। तो ग्रेन रिमूव कैसे करेंगे, तीनों चैनल में, जैसे ब्लू चैनल है, ग्रीन चैनल, रेड चैनल एंड ये फाइनली आरजीबी यानी कलर चैनल जो है, इन दिनों में हमें रिमूव करना है और कलर चैनल में हमें देखना है। तो मैं क्या करता हूँ, ब्राइटनेस वाले एरिया को भी यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। अभी दोनों सेम हो गए हैं। अभी हमें क्या करना है, ग्रेन्स को रिमूव करना है, तो मैं चालू करूँगा ब्लू चैनल से रिमूव करना। तो ग्रेन रिमूव करने के लिए कौन से नोट का हम यूज करने वाले हैं वो देख लेंगे। आपको कंट्रोल के साथ में स्पेस बार प्रेस करना है, तो ऐसी कुछ विंडो मिल जाएगी। आपको क्या करना है, रिमूव, जैसे जाएंगे रिमूव नॉइस करके यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, इसे सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आपको ऐड में क्लिक कर देना है। ये नोट आ गया, सेम आपको यहाँ से इसे कनेक्ट करना है, यहाँ से डिसकनेक्ट करिए, यहाँ से इसे कनेक्ट कर दीजिए। ओके, अभी ये साइड में, राइट साइड में इसकी प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएंगी। तो अभी क्या करेंगे हम, अभी हम ब्लू चैनल में जाएंगे। ओके, थोड़ी फुटेज को मैं यहाँ से जूम कर लेता हूँ। ये जो ग्रेन्स हैं हमें रिमूव करने हैं, फेस के ऊपर पूरी तरीके से क्लीन करेंगे और इसके टेक्सचर हमें लॉस नहीं करना। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलते हैं, सॉफ्टनेस रेड, सॉफ्टनेस ग्रीन, सॉफ्टनेस ब्लू। ब्लू से चालू करेंगे, इसकी साइज को धीरे से इंक्रीज करिए। ओके, अभी आप देख पा रहे होंगे पूरी फुटेज आपकी ब्लर हो गई है, तो इसको रिकवर करने के लिए आप क्या करें, यहाँ डिटेल ब्लू का ऑप्शन मिलता है, थोड़ा सा इसके वैल्यू को आप ले सकते हैं। तो ये हमें यहाँ पे मिल गया। अभी मैं आपको दिखा दूँ ग्रेन्स कैसे, कितने रिमूव हुए हैं। देखिए ऑन ऑफ आप इसे करेंगे, देखिए इतने यहाँ से ग्रेन्स का हमने रिमूव किया है। चलिए दूसरे चैनल में देख लेते हैं, फिर आरजीबी में देखेंगे। ग्रीन चैनल में आ जाइए, सेम प्रोसेस आपको यहाँ भी फॉलो करना है। सॉफ्टनेस को थोड़ा सा इंक्रीज करिए ऑलमोस्ट, और इसकी थोड़ी सी डिटेल्स को यहाँ से बढ़ा दीजिए, थोड़ा कम भी कर सकते हैं अपने को अकॉर्डिंग। अभी रेड चैनल में सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, थोड़ा सा ये करेंगे और मैं थोड़ा टेक्सचर वैल्यू लेके आ जाता हूँ। ओके,
अभी फाइनली आ जाते हैं आर जी बी चैनल में। ओके, तो यहाँ पे हमने फुटेज की ग्रेन्स रिमूव कर ली हैं। अभी अगर ग्रेन्स की बात करूँ मैं, तो चलिए देख लेंगे हमने कैसी ग्रेन्स रिमूव करी हैं। मैं एक बार इसके इफेक्ट को ऑन ऑफ करके आपको दिखाता हूँ, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। अभी ब्लू चैनल में आप चाहेंगे, ये देखिए जो यहाँ से ग्रेन्स थे उन्हें रिमूव कर दिया है हमने, टेक्सचर को लूज नहीं किया है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे आ जाते हैं कलर चैनल। अभी इसी फुटेज को मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको, थोड़े से कंपैरिजन के लिए दोनों फुटेज को साथ में प्ले करते हैं और जूम कर देंगे, तो आपको इन दोनों की क्वालिटी नज़र आ जाएगी कि कैसा क्या हुआ है। ऐसे नहीं समझ में आ रहा, एक काम करते हैं दोनों चैनल को हम दोनों जो हमारे विंडोज़ हैं दोनों को ब्लू में करेंगे। यहाँ भी ब्लू चैनल में कर दीजिए एग्जैक्टली। अभी आपको पूरी तरीके से नज़र आएगा कि नॉइस हमारी पूरी तरीके से रिमूव हो गई है। तो ये बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है नॉइस को रिमूव करने का, किसी भी वीडियो फुटेज से आप रिमूव कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, ख्याल रखें।